ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है और ऑनलाइन बोल भी हो जाएगा साथ में every day late at night. इस टाइम हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लाइसेंस ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और यासिर भाई यहाँ पर हैं और इनके साथ है मिस्टर कहाँ यासिर भाई फ्रेम में नहीं आ रहे, ज़रा इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, करीब आ जाओ। रोहान, रोहान कैसे हैं आप? रोहान ठीक है आप? तो हम लाइसेंस बनवाने आए हैं और बेसिकली थोड़े से लेट हो गए क्योंकि यासिर भाई जो तैयार होते होते बहुत टाइम लगाते हैं। चले अंदर जाके आपको अपडेट करते हैं। हम यहाँ आ गए और हमें जो है पता ही नहीं था कि जो है ऑनलाइन जो है इस पर टोकन लेना पड़ता है और हमने कोई टोकन नहीं दिया और यहाँ आने के बाद पता चला है कि हमें ऑनलाइन टोकन लेना पड़ेगा। हाँ जी, क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आया? दरअसल हमें एक जो है अपना लाइसेंस जो है रिन्यू करवाना था, एक आपका लाइसेंस बनवाना था पक्का और एक यासिर भाई का लाइसेंस बनवाना था। सही है। तो वो बोल रहे भाई इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है और ऑनलाइन बुकिंग करवाने के बाद आते हैं। मैंने ये पहले तो नहीं था, पहले नहीं था, मेरे COVID-19 के बाद से चल रहा है। हम इतना लेट आए, इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेके आए। तो आप यासिर भाई का लर्निंग बनवा लें और कुछ नहीं होता। चलो इधर से इंटर होते हैं नेशनल बैंक के सामने, आप देख रहे हैं डेटा एंट्री करवानी है आपने, ये सब बैठे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे लाइसेंस ऑफिस आए थे और अभी हम लाइसेंस ऑफिस के बाहर बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस का लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया छोटे भाई का। और ये मेरी सिस्टर है और ये आई जी थी या USA से, तो इन्होंने अपना इंटरनेशनल लाइसेंस भी बनवाना था और परमानेंट लाइसेंस भी बनवाना था। तो अनफॉर्चुनेटली कि हमें आइडिया नहीं था, हमने जो है टोकन लिया नहीं, हमने जो है बुकिंग नहीं करवाई, जिसकी वजह से हमने जो है यहाँ पे जहमत का सामना हुआ। पर आपको एक अच्छी बात बताऊँ कि ये लाइसेंस ऑफिस कितना ज़बरदस्त हो गया कि लग ही नहीं रहा है मैं पाकिस्तान के लाइसेंस ऑफिस में बैठा हूँ, वरना आज से 5 साल पहले 4 साल पहले आते थे तो ऐसा लगता था बकरा मंडी या गाय मंडी में आ गए। तो अभी तो 5 मिनट में हमें ये लाइसेंस हासिल हो गया जिसकी 320 रुपये फीस है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी। पेपर ऐसा है कि जैसे वो नहीं होते आप जाएँ डॉक्टर की पट्टी या बैंक में से प्रिंट आउट निकलता, वो उस तरह का पेपर है। तो ये बड़ी गलत है, 320 रुपये ले रहे हैं, कम से कम एक कलर कॉपी तो दें। तो आज से 3-4 साल पहले कलर कॉपी होती थी बड़ी विजिबल, तो इसमें देखें पिक्चर भी कोई पिक्चर तो ऐसी लग रही है डॉट डॉट डाल के, जैसे वो नहीं होते थे पुराने ज़माने में लोग खो जाते थे तो ब्लैक एंड वाइट तस्वीर निकलती थी प्रिंट होके कि वो उसको जो है अपना ढूंढने में मदद फरमाए, तो ऐसी है। चले किसी बंदे का अल्लाह ना करे रोड पे एक्सीडेंट हो जाए कि कौन था, खैर चले अल्लाह बेहतर करे, इन चीज़ों की नफासत लोग जान जाएंगे। आहिस्ता आप लोग जानेंगे इनकी नफासत है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें करते हैं। अभी ये फोटो कॉपी भी नहीं करवा रहे थे। अच्छा, फोटो कॉपी में इसलिए नहीं कर पा रहा था, काम हो गया, यहाँ पे राइट करवा लेंगे, बाहर से करवा लेते पर पैसे भी ज़्यादा थे। पर इन्होंने दो करके दिए, एक ये वाली कोटिंग करके दिए और एक लाइट वाली कोटिंग करके दिए, 50 रुपये में मुनाफे है भाई, बहुत मुनाफे महंगाई के दौर में। तो आप हमारे ब्लॉग को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के बारे में इंशाल्लाह जो है हम आपको अपडेट देंगे। एक जो है कोलैबोरेशन चलेगी तो उस पर हम इनके चैनल का भी जिक्र करेंगे, आप इनके भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखेंगे। तो अभी सुबह ना नाश्ता किया है और ये लंच का टाइम हो गया, दरमियान में अब हम लंच करें या नाश्ता करें पता नहीं चल रहा, तो हम आपको अपडेट करते हैं जाके। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। लो गाइस, ये तमाम फीस की डिटेल है लाइसेंस की जो कि कोरंगी ब्रांच में और तकरीबन तमाम कराची ब्रांच में यही सेम फीस प्रोसीजर है। ये 2022 की फीस है, तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइनली वी डिसाइड कि हम
हमें डेल्फ रॉय जाना चाहिए, तो अभी हम डेल्फ रॉय आ गए। अंदर के क्या सीन है वो आपको चल के बता रहे हैं। A few moments later, विंटेज पे आ गए हैं। आप विंटेज पे क्या है? मेरा तो भाई फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है, कब खुला ये भी नहीं पता मुझे, तो विंटेज के अंदर जाके फिर आपको अपडेट देते हैं। जासू भाई मोबाइल लेकर आ रहा है, ये तो अच्छा लग रहा है जैसे कोई। चलो यासिर भाई वहाँ से आ रहे हैं और हम इनको बगैर बताए आई थिंक चले गए थे, ये कॉल कर रहे थे क्या है, कहाँ चले गए थे यासिर भाई? किधर? तो यहाँ पर है ना, विंटेज में है ना। वालेकुम सलाम, आ जाओ। हमने किया हुआ है और ऑर्डर में अभी तकरीबन 20 मिनट का वेट है, ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं या फिर वही भी वेट कर रहे हैं। और वहाँ का तो लंच आ रहा है, और उनके लंच पे ईजी लंच 10 रुपीस लंच। और या फिर भाई क्या कहेंगे आप, खाने को आने में देर है अभी, बहुत देर है, इंतजार कर कर वो थक गए। 2000 years later. खाना फाइनली हमारा आ गया, हमने जो ऑर्डर किया था ये आया हमारा, फिश एंड चिप्स। और ये क्या था महविश, ये क्या ऑर्डर किया था? फ्लोटिंग चिकन। ये फ्लोटिंग चिकन और ये है हमारा क्या जी, लगानिया, चिकन लगानिया। और ये इसके साथ सॉस तो लीजिए, ये है फ्लोटिंग चिकन और इस पर भी हम सॉस डाल देंगे। लग तो अच्छी रही है, आप ट्राई करके देखते हैं फिर रिव्यू देंगे। क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग चिकन है। और ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये चीज़ की लेयर देखें, और ये फ्लोटिंग चिकन जो है इनकी इनकी स्पेशलिटी है। और ये अभी हम आपको इसका ये दिखाते हैं रिव्यू। इनका फिश एंड चिप्स भी बहुत अच्छा है, परफेक्शन चिप्स से ज़्यादा रिकमेंडेशन है फ्लोटिंग चिप्स। भाई ये लगानिया है, ये हम ट्राई करके बताएंगे, देखते थे अच्छे से वाले, थोड़ा सा चीज़ के साथ करेंगे, पेट इतना भर गया कि दिल नहीं करा। कैसा है? फ्लोटिंग चिकन से ज़्यादा अच्छा है? उसका अपना बेस है, उसका अपना है। कितने नंबर देंगे आप? ऐसा लगानी है तो फिर अच्छा है, बेस्ट है। अगर तीन में रैंकिंग करूँ तो तकरीबन 8 इसके और 10 में से 9 गेट
और फिशिंग केस अच्छा था, पर इन दोनों के आगे हमें इतना फील नहीं हुआ, तो 10 में से 7 और चल। कैसा है, कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, और गर्मी से आने के बाद तो बहुत मज़ा दे रहे हैं। हाँ, मज़ा दे रहे हैं, तो ये और भी अच्छे होते हैं, तो ये भी अच्छा है, नॉट बैड। हाँ, टेस्ट अच्छा है। पार्सल फिर बोले उनसे बोल रहा हूँ भैया, ये टेक अवे कर दीजिएगा, ये इसके साथ हो जाएगा टेक अवे? हाँ नहीं, ये बॉल भी हो जाएगा साथ में। वो बॉल इसलिए ना, वैसे वैसे करेंगे तो ये लेयर्स खत्म हो जाएंगे ना। कैसा लगा मेरा मजाक? होगी लेयर नादिर भाई भी ना, ये चाह रहे हैं कि आप जो है ऐसा इसको टेक अवे करें कि मतलब ये लेयर के ऐसे ऊपर नहीं हुए। भाई कंफ्यूज हो गए प्लास्टिक। नादिर भाई भी ना, ये रिकॉर्डिंग लिया है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा सर, एक बात सुनिए, आपके पास आपका मोबाइल है तो नहीं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके ये विंटेज का भी आएगा। छोटा छोटा मोबाइल, ये मैंने अच्छा अच्छा अच्छा। तो जनाब, हमने खाना खा लिया, खाना बहुत अच्छा था और बिल भी आ गई, और बिल भी इंशाल्लाह बिल की डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अपना क्या कहते हैं, बात ये थी कि जब हम दिन में आए तकरीबन 1 बजे का टाइम था, और जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने हमें फुल प्रोटोकॉल दिया, और हमें नहीं पता चला कि ये प्रोटोकॉल एज अ कस्टमर के तौर पर है क्या। तो बाद में अभी इनके वेटर ने हमें बताया कि आप लोग जब सुबह में आए तो मोबाइल वगैरह लिया हुआ था हाथ में, तो ये समझे शायद हम फूड अथॉरिटी से आए हैं और जो है चेक इंस्पेक्शन पे आए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने इनको बताया तो ये और खुश हुए, और अगर हम नहीं बताते तो हमें 50% या 100% भी वेट हो जाता। चले जो था, तो ये बिल भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये बिल पे आप देख सकते हैं। जूम कर ले भाई, जूम कर लो। हाँ, तो ये हमने लज़ानिया मंगवाया था, 850 रुपीज़ था। फिश एंड चिप्स 795 था। फ्लोटिंग चिकन वन ऑफ द बेस्ट 1045। तो बाकी इनके बेवरेजेस वगैरह भी सस्ते हैं, अच्छा था, हाईली रिकमेंडेड, आप लाजमी विज़िट करिएगा।